हैदराबाद के अंदर जीएचएमसी लिमिट में 25 दवाखाने इनाग्रेशन के लिए हमारे आनेबुल सीएम साहब ने खासतौर से हैदराबाद के लोगों के लिए हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस है और कोरोना के बाद से तो बहुत सीरियस हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए सारे बस्ती में टोटल 195 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और टारगेट जो हुकूमत का टारगेट 300 का। आज खासतौर से याकूतपुरा जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत थिक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर 3 दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और एक जो है संतोष नगर के अंदर जिसमें हमारे ऑनरेबल केटीआर साहब भी मौजूद थे और दूसरे दवाखाना जो है कोरमागुड़े के अंदर, यहाँ पर मैं और अहमद पाशा कादरी साहब और दोनों और सोमेश हमारे श्याम सुंदर रेड्डी साहब हमारी कॉर्पोरेटर साहबा में इस दवाखाने के इनाग्रेशन में शरीक रहे और हमारे एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक दवाखाने में शरीक रहे। यकीनन ये दवाखाने बहुत ज़रूरी है, बस्ती दवाखाने से बस्ती के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं हमारे एमएलए साहब अहमद पाशा कादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके एरिया में तीनों के तीनों बस्ती दवाखाने इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनाग्रेशन किया गया, ये बड़ी खुशी की बात है। और ख़ासतौर से ओल्ड सिटी के अंदर बहुत थिक पॉपुलेशन है, बस्ती दवाखाने से बहुत फ्री इलाज होगा और इस बस्ती दवाखाने में मुकम्मिल कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और दवाएँ भी बहुत मस्त यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं ख़ासतौर से मीडिया भाइयों के ज़रिए एक बात तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये कोरोना डिसीज़ बहुत डेंजर डिसीज़ नहीं है, ये मीडिया की वजह से या खुद हम लोगों की वजह से जो इसके लिए प्रिकॉशन कहा गया व्हाट्सएप की वजह से लोगों में डर खौफ बहुत बढ़ गया है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मैं खुद भी कोरोना में जाकर आया हूँ, मुझे कहीं कोई ख़ास दवा नहीं दी गई, खाली क्रोसिन और एंटीबायोटिक दिया गया है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से डरना नहीं चाहिए। आज पेपर में देख रहा हूँ कोरोना बॉडी में डेथ बॉडी भी पेरेंट्स के आने पर दरवाज़ा खोलकर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। डेफिनेट इसका इलाज मौजूद है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हो सके हम एहतियात करेंगे, मास्क हमेशा इस्तेमाल कीजिए, हाथ को साफ कीजिए। मैं हमारे सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खासतौर से हैदराबाद के अंदर 195 दवाखाने आज तक इनाग्रेशन हो चुके हैं और 105 बाकी है, वो भी बहुत जल्द तामीर हो जाएगी। मैं तमाम यहाँ के लोकल लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इस कोरोना में हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत काम किया, जीएचएमसी में बहुत काम किया और हमें डरने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह आगे आगे अभी हैदराबाद में काफ़ी कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। मैं हम यही चाहता हूँ कि हम जितना एहतियात हो सकेंगे और हमारे एमएलए साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डिवीज़न संतोष नगर कुरमागुड़ा, ये दो इलाकों में 3 बस्ती दवाखानों का अफ्तिता हुआ। संतोष नगर में जनाब केटीआर साहब वजीर बल्दी नजमुद्दीन ने उसका अफ्तिता किया, नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए, होम मिनिस्टर साहब और हम श्रीनाथ यादव साहब मिनिस्टर साहब सब उसमें शरीक थे, एरिया कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर और डॉक्टर समीना बेगम साहब कुरमागुड़ा ये भी शरीक रहे, तमाम आवाम की कसीर तादाद इस मौके पर शरीक थी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये बस्ती दवाखाने अवाम की सहूलत के लिए खुसूसन गरीबों के लिए कायम किए गए हैं, इससे अवाम इस्तेफादा करे तो बेहतर रहेगा। चलिए।